Hello children, today we will learn the chapter Autobiography of a Great Indian Bustard from class 6th Maharashtra. Children, do you know the meaning of autobiography? Autobiography is an account of a person's life written by that person. तो बच्चों ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो किसी की भी लाइफ के बारे में होती है जो वो इंसान खुद लिखता है. सपोज अगर आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे और आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखोगे तो दैट बिकम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर लाइफ. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोना टू रीड अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. एंड बस्टर्ड इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड. बच्चों इस चैप्टर में हम एक ग्रेट इंडियन बस्टर बर्ड के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. व्हिच इज द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. सो बच्चों देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. तो कोई हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि हैवीएस्ट सबसे भारी फ्लाइंग बर्ड कौन सी है इंडिया में. वेल फ्रेंड इट्स मी. वेल मीन्स खैर दोस्तों ये मैं हूँ. द ग्रेट इंडियन बस्टर. और वो अपना नाम क्या बता रहा है. द ग्रेट इंडियन बस्टर. तो बच्चों पहली टू लाइंस में किसी ने हमसे ये सवाल पूछा है कि क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सी है. और उसी पर ने हमें जवाब भी दिया है कि वो मैं हूँ ग्रेट इंडियन बस्टर. आई फील प्राउड टू बी नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर. प्राउड मीन्स बच्चों गर्व. नोन मीन्स मानना या जानना. तो वो जो बर्ड है वो ये कह रही है कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरा नाम कैसे जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. एक महान इंडियन बस्टर्ड बस्टर्ड बर्ड के नाम से. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. तो वो बर्ड ये भी बता रही है बच्चों हमें कि जो उसका नाम है वो 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में. इन मराठी आई एम नोन एज मालडोक और हूम. तो यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि मराठी में उसको या तो मालडोक नाम से या हूम नाम से जाना जाता है. नोन मीन्स जानना. आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप फॉर 4 फीट इन हाइट रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर. और वो बर्ड ये भी बता रही है कि जो उसका वेट है वो 18 किलोज है और जो उसकी हाइट है वो हमारे शोल्डर्स से या उससे भी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वो 4 फीट है हाइट. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक ब्राउन विंग्स टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माय हेड. सो चिल्ड्रन इफ यू सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ बर्ड. दैट बर्ड इज नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो अगर आप इस बर्ड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वाइट नेक है ब्राउन विंग्स हैं टॉल येलो लेग्स हैं एंड अ ब्लैक कैप ऑन हिज हेड है. तो वो बर्ड अपना पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो देखने में कैसा लगता है. माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज नॉट वाइट. सो इन दिस लाइन जो बस्टर्ड है वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है. और उसकी वाइफ देखने में कैसी है बच्चों. स्मॉलर मीन्स छोटी है और पतली है देन बस्टर्ड. और जो उसकी नेक है गर्दन है वो भी वाइट नहीं है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमंस सेज दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन्स अट्रैक्टिव बहुत सुंदर किसी को चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगना. तो जो बस्टर्ड है वो ये बता रहा है कि उसने लोगों को सुना है ये कहते हुए कि वो और उसकी वाइफ बहुत इम्प्रेसिव दिखते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं. आई लिव ऑन ग्रास लैंड्स एंड डेजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा ब्लैकबर्ग एंड लार. तो जो बस्टर्ड है वो ये बता रहा है कि वो कहाँ पे रहता है. ही लिव्स ऑन ग्रास लैंड और डेजर्ट में रहता है. ग्रास लैंड मीन्स बच्चों जहाँ पे घास होती है वो ज़मीन और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. अलॉन्ग विथ माई अनदर फ्रेंड्स और वो अपने और भी दोस्तों के साथ जगह ऐसी जगहों पे रहता है. इंक्लूडिंग उसके फ्रेंड्स के नाम क्या क्या हैं. चिंकारा ब्लैकबर्ग. ब्लैकबर्ग बच्चों काले हिरन को बोलते हैं. एंड लार्क. लार्क मीन्स इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड. आप फोटो में देखो आप इन इमेजेस में देखो आपको ब्लैकबर्ग और लार्क के फोटो दिखेंगे. आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स लिजर्ड्स स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. यहाँ पे बच्चों हमें बस्टर्ड बता रहे हैं कि वो क्या क्या खाते हैं. आई ईट एवरीथिंग मैं सब कुछ खाता हूँ इंक्लूडिंग स्नेक्स भी खाता हूँ लिजर्ड्स भी खाता हूँ स्मॉल फ्रूट्स भी खाता हूँ एंड बेरीज भी खाता हूँ
एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, मैं हर तरह के कीड़े भी खाता हूँ। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, हैबिट मीन्स आदत, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। तो वो ये कह रहा है कि मैं जो भी ये सारी चीज़ें खाता हूँ ये एक बहुत अच्छी हेल्दी आदत है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। बट इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी बस्टर्ड को क्या पसंद है बच्चों? ग्रास हॉपर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। ग्रास हॉपर एंड बीटल्स क्या हैं? उसके फेवरेट फूड आइटम्स है। जैसे आप लोगों के भी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होंगे, बट उनमें से कोई एक या दो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसी तरह बस्टर्ड को ग्रास हॉपर और बीटल्स पसंद है। ये भी एक काइंड के इंसेक्ट्स हैं। When it start raining, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. So, बच्चों यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि when start raining, तो जब यहाँ बारिश शुरू होने लगती है तो ये सारे जो भी हैं बस्टर्ड वो एक जगह पे गैदर हो जाते हैं। गैदर मीन्स इकट्ठा हो जाते हैं उनकी फेवरेट प्लेस पे। एंड वॉट इज देयर फेवरेट प्लेस? देयर फेवरेट प्लेस इज ग्रास लैंड। और वहाँ पे क्यों होते हैं वो इकट्ठा? There are no people to disturb us. वहाँ पे इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई भी people means human being, लोग नहीं होते उनको disturb करने के लिए, परेशान करने। I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. Gulping means बच्चों निगलना। तो यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि जब बारिश होती है तो what he do? I perform a wonderful dance. मैं एक बहुत अच्छा डांस करता हूँ बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। मैं अपनी गर्दन के नीचे लगे विशेष पंख वाली थैली में हवा भर के। तो बच्चों बस्टर्ड कैसे डांस करता है कि वो अपने पंखों के नीचे जो लगी थैली है उसमें हवा भरता है और एक बहुत वंडरफुल अद्भुत डांस करता है। This pouch helped me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. Hum. तो यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि जो वो पाउच है वो उसको हेल्प करता है एक सेम साउंड निकालने में। सिमिलर टू हुम, और कौन से जानवर की तरह? सिमिलर टू काउ, काउ की आवाज़ की तरह वो पाउच उसको हेल्प करता है एक साउंड निकालने में। हम करके जो साउंड है वो। आई डांस इन जॉय विथ पफ आउट फेदर्स। तो बस्टर्ड बता रहा है कि मैं बहुत खुशी से अपने पंख बाहर फुलाकर डांस करता हूँ। एंड क्रॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। तो बच्चों यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि जब वो डांस करता है तो वो बहुत खुशी से डांस करता है। पफ आउट मीन्स फुला लेना। तो वो अपने फेदर्स को फुला लेता है। क्रॉक्ड अप टेल, वो अपनी टेल को, पूंछ को क्या करता है? ऊपर उठा लेता है। एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, जो उसके विंग्स हैं पंख हैं उनको क्या करता है? नीचे कर लेता है। इट हेल्प मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। और जब मैं ऐसा डांस करता हूँ तो ये मुझे मदद करता है। इट हेल्प मी, ये मुझे मदद करता है टू इम्प्रेस, प्रभावित करने में मेरी सोलमेट को। वो यहाँ पे सोलमेट मीन्स अपनी वाइफ मिसेस बस्टर्ड के बारे में बोल रहा है। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of it. Again, Bustard is telling us, आप जानते हैं कि हम पक्षी अंडे देते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं, उनके चूजे होते हैं, वो उसी अंडे से बाहर निकल। Mother Great Indian Bustard lays just one egg directly on the ground. Directly means सीधे, ground means जमीन पे, और GIB means ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो वो बोल रहा है कि जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या करती है? वो डायरेक्टली एक अंडे को जमीन पे देती है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो वो ये कह रहा है कि हम जो बस्टर्ड हैं हम घोंसला बनाने में विश्वास नहीं रखते। बिलीव मीन्स विश्वास। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स बच्चों जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के एग खा लेते हैं या उन्हें मार के खा लेते हैं। ट्रिक्स मीन्स चालाकी, युक्ति। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। तो बस्टर्ड कह रहा है कि हम नेस्ट नहीं बनाते, हम घोंसले नहीं बनाते, पर हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है, एक स्पेशल चाल है या उपाय है जिससे हम अपने अंडों को बचा लेते हैं उन जानवरों से जो हमारे अंडे को खाना चाहते हैं। द एग्स लुक्स लाइक अ स्टोन। स्टोन मीन्स पत्थर। तो जो वो उनके अंडे हैं वो कैसे दिखते हैं बच्चों? पत्थर की तरह। मॉनिटर लिजार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमी ऑफ माई एग्स एंड चिक्स।
तो वो यहाँ पे बता रहा है कि उसके एनिमीज कौन कौन से हैं। एनिमीज मीन्स दुश्मन, मॉनिटर लिजार्ड, छिपकली, फॉक्सेस मीन्स लोमड़ी, कुत्ते, सुअर, सांप और चील जो हैं, ये कौन से एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो बस्टर्ड के एग्स के और उसके चूजों के दुश्मन हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, पर मेरी बीवी प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है अंडों को सबसे, जो भी उसके दुश्मन हैं बस्टर्ड्स के, बर्ड्स और एनिमल, उससे उसकी वाइफ अंडों को बचाती। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ एग रेन्स अराइव, तो वो ये बोल रहा है कि जब तक जो मेरे चूजे हैं वो अंडों से बाहर आते हैं तब तक बारिश आ जाती है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वर्मिंग विद इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माय फैमिली। स्वर्मिंग मींस बच्चों झुंड, प्लेंटी मींस ढेर सारा, बहुत सारा। तो व्हाट बस्टर्ड इज सेइंग, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास, तो जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है बच्चों, बहुत सारी घास हो जाती है। स्वर्मिंग विद इंसेक्ट्स, और कीड़ों का झुंड आ जाता है बहुत सारा। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और क्या होता है उसकी फैमिली के लिए फ्रेश मीन्स ताज़ा खाना हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग इंसेक्ट्स खाते हैं। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, तो वो बोल रहा है जो अदर बर्ड्स हैं, दूसरी जो चिड़िया हैं या बर्ड हैं, क्या होता है उनके जो छोटे होते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उड़ना सीख जाते हैं और अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं। अवे मीन्स दूर जाना, नेस्ट मीन्स घोंसले से दूर चले जाते हैं। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर, पर वो कह रहा है पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मदर है, जो महान इंडियन बस्टर्ड मदर है, और जो उसका चिक है, उसका जो बच्चा है, वो साथ में रहते हैं, स्टे टुगेदर में साथ में रहते हैं फॉर नियरली वन ईयर, लगभग एक साल तक वो लोग साथ में रहते हैं। द चिक्स लर्न्स मेनी डिफरेंट हैबिट्स फ्रॉम द मदर, लर्न्स मीन्स सीखना और हैबिट मीन्स आदत, तो वो बोल रहा है कि जो चिक्स हैं, छोटे बस्टर्ड्स जो होते हैं, वो बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं अपनी मदर से, अपनी माँ से। मे हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स, तो वो ये कह रहा है कि तुमने शायद सुना होगा, हर्ड मीन्स सुना होगा, एक ग्रेट महान ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स, एक हमारे ह्यूमन बीइंग फ्रेंड के बारे में, एक महान ह्यूमन फ्रेंड के बारे में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फ्रेंड है। एंड व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम इज डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री, तो व्हाट बस्टर्ड इज सेइंग कि जो उनका ग्रेट महान फ्रेंड है डॉक्टर सलीम, उन्होंने ये सुझाव भी दिया था, सजेस्टेड मीन्स ये सुझाव दिया था कि जो बस्टर्ड बर्ड है उसको क्या होना चाहिए, उसको इंडिया का नेशनल बर्ड होना चाहिए। बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटिफुल रिलेटिव द पीकॉक, तो बस्टर्ड बताता है कि पर ये जो नेशनल बर्ड का जो सम्मान है, ऑनर मीन्स सम्मान है, वो गया उनके ब्यूटिफुल रिश्तेदार, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, द पीकॉक को। एज वी ऑल नो कि पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। I am happy to tell you that I am a state bird of Rajasthan. फिर वो कहता है बस्टर्ड, पर मैं खुश हूँ, I am happy to tell you, ये बताते हुए कि I am the state bird of Rajasthan, मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। We have got 10 centuries for our protection. तो अब बस्टर्ड बता रहा है कि उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा के लिए कितने 10 centuries मिले हैं। सेंचुरी मीन्स बच्चों अभ्यारण, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन, पर वो कहता है पर ये दुख की बात है, सैडली मीन्स दुख की बात है कि जो उनके नंबर्स हैं बस्टर्ड के, वो स्टिल अभी भी क्या हो रहे हैं कि गोइंग डाउन, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम भारत के सभी हिस्सों में रहते थे। But slowly, the growing population of men pushed us away from more than 90% of our home regions. तो यहाँ पे बस्टर्ड बता रहा है कि जो growing population है, आबादी है, उससे क्या हो रहा है कि man pushed us away, जो लोग हैं उन्होंने उन्हें वहाँ से निकाल दिया है, from 90% of their home religion. 90% जो उनका घर का घरेलू राज्य था, वहाँ से आबादी बढ़ने की वजह से बस्टर्ड लोग निकल चुके हैं। We are afraid of hunters that kill us for fun. Afraid means डरना,
तो व्हाट बस्टर्ड इज सेइंग कि अब हम क्या है, हम डरते हैं शिकारियों से जो हमें मार देते हैं फॉर फन, सिर्फ मजे के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी व्हाइल फ्लाइंग। तो बस्टर्ड ये भी बता रहा है कि वो और किस तरीके से मर जाते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, जो लाइन्स होती हैं बच्चों, आपने भी टावर देखे होंगे और उसमें जो लाइन्स होती हैं तो जब बर्ड्स उड़ते हैं तो वो उन्हें दिखते नहीं हैं, तो वो उन लाइन्स में फंस जाते हैं और उनको इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है और वो मर जाते हैं क्योंकि वो उन्हें दिखाई नहीं देता। वी कांट सी वाइल फ्लाइंग से वो ये बताना चाहते हैं कि उन्हें वो पावर, वो लाइन्स दिखती नहीं है और वो मर रहे हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स, लूजिंग मीन्स खोना। अब वो ये कह रहा है कि हम अपने घर को खो रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में, संसार में। तो बस्टर्ड ये बता रहा है कि आज हम सिर्फ कितने रह गए, 200 सिर्फ रह गए, बचे हुए हैं पूरे वर्ल्ड। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। तो वो बस्टर्ड बोल रहा है कि हमें आपका सपोर्ट मीन समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, किस चीज़ के लिए, सर्वाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद करोगे। यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। तो वो ये कह रहा है कि आप लेटर अपने जो भी लीडर्स हैं, जो भी नेता हैं, उन सबको एक पत्र लिखिए और उनसे अपील कीजिए। अपील मीन्स उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारी मदद करें, वो बस्टर्ड्स बर्ड की मदद करें। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। और वो बोल रहे हैं कि आप मेरी ड्राइंग बनाओ, मेक माई ड्राइंग मीन्स मेरी ड्राइंग बनाओ और सबमिट टू योर टीचर, अपने टीचर को दो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, और आप अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात करो। डिस्कस मीन्स बात करो कि मेरी क्या लाइफ है, मैं अब नहीं बच रहा हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। तो नाउ व्हाट बस्टर्ड इज सेइंग, कम टू सी अस एट सेंचुरी, हमें देखने के लिए कहाँ पे आओ, सेंचुरी में आओ। बिकॉज नाउ, क्योंकि अब यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेस, क्योंकि अब आप मुझे किसी भी अदर जगह पे नहीं देख सकते अपार्ट फ्रॉम सेंचुरी। एंड हु नोज, और कौन जानता है, इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, अगर मनुष्य हमें मदद नहीं करेंगे, None of us will be left on the earth. हम में से कोई भी पृथ्वी पे, दुनिया पर नहीं बचेगा। You will only see us in picture. आप हमें केवल फोटोज में, तस्वीरों में देखोगे। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box. And also subscribe, share and like this channel. Thank you.